मॉर्निंग गाइज, शुरुआत हो चुकी है एक नई ट्रिप की। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अजमेर, अजमेर से पुष्कर, और अभी बज रहे हैं घड़ी में एक, गुड आफ्टरनून का टाइम है। अप्रोक्सली यहाँ से 100-150 किलोमीटर कुछ है, तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर हम पहुँच जाएंगे आराम से, मजे करते करते। और मौसम हो रखा है बड़ा ही शानदार, बारिश वाला मौसम। शानदार, अभी ये टू व्हीलर वाला टूटा भाई साहब, बच गया। अभी ये टू व्हीलर वाला टूट जाता तो क्या दिखा नहीं, थोड़ा सा बच गया। नहीं मुझे दिखा था, एकदम से बच गया ना। ठीक है, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में है, 20-25-30 पे। अगर स्पीड में होता तो फिर विकेट गिर जाती उसकी। आज हल्का हल्का ट्रैफिक है रोड पे, आज संडे है ना, इसके लिए थोड़ा ट्रैफिक है। टैंक करा लिया था फुल, टैंक हो गया, रेंज आ गई है पूरी 625, और पेमेंट कट हो चुका अपना 4,200 रुपये। ओ भाई बाइकर्स, ये आ गए अपने NH 48 स्टेट हाईवे। यहाँ से सीधा है, अब कितना किलोमीटर है, 110 किलोमीटर सीधा अजमेर है। ये अजमेर पुष्कर रोड है, 2.5 घंटे हो गए घर से निकले हुए। रोड पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बारिश की वजह से। ये सब, ये अपना अजमेर जयपुर हाईवे है, पूरा काम चल रहा है रोड पे। घड़ी में बज चुके हैं 3 और अभी भी हम पहुंचे नहीं। अभी भी यहाँ से कुछ 70-60 किलोमीटर है उस पर। रोड पे काम चल रहा है, सब जगह पे काम चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से सब खड्डे बिट्टे हो रखे हैं ऑलमोस्ट। कंस्ट्रक्शन में पूरा रोड है, पूरा रोड तो क्या ही बोलेंगे, 50-60 किलोमीटर जो है ये है। तो ऐसे ट्रैफिक में चल रहे हैं, रेंगते चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं कब का पहुंच जाता पुष्कर। पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहे हैं। अभी तक क्या काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे थे, यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं। ये कुछ अपना कॉफ़ी का हिसाब किताब, हमारे बर्गर की बर्गर अपना ताज दिखाइए। ये हमारा बर्गर की का ताज, बर्गर से कॉफ़ी वगैरह उठाई और कॉफ़ी चल रही है। मौसम हो गया शानदार, धूप थी। आगे शायद अजमेर में बारिश वगैरह है, क्या लग रहा है ना। और वो मुलबेरी का भाई बर्गर का जो एक नया ठीक मिल्क शेक आया, बहुत ही शानदार मिल्क शेक था। और मौसम में क्या नाम था, ब्लूबेरी थिक मिल्क शेक, हाँ बहुत शानदार चीज़ थी, हल्का फुल्का। 4 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है, अब बस यहाँ से ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, 40 किलोमीटर है होटल हमारी अजंता रिसोर्ट, मिलते हैं वहाँ जाके। देख रहे हो तीनों पहाड़, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़, वहाँ पे बहुत बारिश है लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है बारिश। और ये प्लेटफॉर्म कितना अच्छा दिख रहा था यहाँ से, किशनगढ़ तो आ चुके हैं। ये अपना किशनगढ़ द सिटी ऑफ मार्बल, हर जगह मार्बल है ना, पूरी दुनिया का तमाम जो मार्बल निकलता है राजस्थान के अंदर, जो फेमस है कि भाई मार्बल सिटी, तो वो है किशनगढ़। और यहाँ से पूरा जो मार्बल है एक्सपोर्ट होता है, पूरी मार्बल्स की सिटी है ये। खतरनाक लेवल से बारिश, अभी मौसम बना हुआ था बारिश का, और बारिश आ चुकी है एकदम स्पीड से। अब कॉफी का मजा लेंगे, और ये बर्गर की वाह, लग रहा है बारिश का मौसम जो होता है ना बहुत शानदार, तेज आ गई बारिश, बहुत तेज आ रही है। बारिश हो रही है और ये पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है ना, उस तरफ पूरा सब पे इस तरफ पूरा बारिश ही बारिश हो रही है, ऊपर बारिश हो रही है मस्त, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, काला कट हो रहा है, मस्त लग रहा है गाड़ी चलाने में यहाँ पे है ना। मौसम के परिंदे, बढ़िया मौसम है, गजब। आज यहाँ पे फर्मा देव का टेम्पल है, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जो कि
यहाँ पुष्कर में है, ब्रह्मदेव का मंदिर। पुष्कर तो पहुँच चुके हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अभी मेला चल रहा है, श्रावण का मेला। ये अब बज रही है ऐसे, तब से नहीं बज रही। ब्रेक से आवाज आ रही है, पानी से निकाला है हमने गाड़ी को अभी। हाँ। और ये पूरा गड्डी पानी दिखाते ना लोगों। ये पूरा मेला चल रहा है। नजारे है सामने शानदार। ये अभी महीना चल रहा है श्रावण महीना, उसका गर्दी है ये सब। तो यहाँ पे क्या कर रहा है सब? तीर्थ स्थल है ये पुष्कर, एक जैसे हरिद्वार जाते हैं लोग वैसे यहाँ पे भी आते हैं पुष्कर नहाने, है ना? हरिद्वार की तरह यहाँ भी आते हैं। सामने नजारा देखो भाई, वाइट वाइट अद्भुत नजारे। और हमारा डिस्टेंस अभी रह गया 5 बज गई है ऑलमोस्ट, अभी तक हम पहुँचे नहीं है। पहली बार इतना टाइम लगा होगा इतने धीरे धीरे, वो भी इतने से डिस्टेंस में इतना टाइम। वही ना, तभी तो बोल रहे हैं। वो देखो बादल पूरे टच है ऊपर सामने। Is on your left, Anand Spa and Resort. आ चुके हैं पुष्कर अनंत स्पा एंड रिसोर्ट। Arrived. Arrived. यहाँ से एंट्रेंस। ये टेंट है अपने, टेंट की तरफ जा रहे हैं। बहुत सुंदर रिसोर्ट है, तो टेंट है इसमें हमने बुकिंग किया है लग्जरी टेंट, तो ये काफ़ी महंगा पड़ा है। एक नाइट का कितना हुआ? ये हमारा एक नाइट का 950 लगे हैं। 40406 10K पर नाइट। हमारा कौन सा? वोरा मेरा 406। हाँ हेलो, ठीक है, मतलब शांत वातावरण माहौल बढ़िया है, तो यही है। ये है अपना रूम, टेंट हाउस। ये लग्जरी टेंट है, ये अपने को पर नाइट पड़ा है 9600 प्लस टैक्सेस, मतलब टोटल अराउंड 11 के आसपास पड़ गया पर नाइट। टेंट हाउस है लग्जरी है। और इसका वॉशरूम, ये है इसका वॉशरूम, शावर एरिया, कम्बोर्ड, एजोक्स्ट, और ये पूरा ऊपर टेंट है, छत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। सामने वैनिटी मिरर, पंखे से सावधान रहे। निशाना लगाया जाएगा गन से। बापरे बहुत भारी है ये तो, बहुत हेवी गन है। गलत गलत निशाना, पुश गया, पुश नहीं लगा कहीं पे भी। अब ये खिलाड़ी खेलेंगे और मारेंगे गोली। एक और ट्राई। गन में तो एक निशान लगा नहीं, अब तीर कमान। झूठ मत बोल, लगा था एक। मेरा लगा था वो। मेरा भी लगा था। इतनी बेइज्जती मत करो।
भी है यार, ऐसा निशाना लगना चाहिए। ट्राई चींच चींच ना पड़ी है। फेल। तो अब ये भाई साहब बनेंगे राम और मारेंगे तीर, देखते इनका निशाना। वाह, इन्होंने मारा है ऑरेंज पे, 5 नंबर मिलते हैं आपको। ये अजंता स्पा का स्विमिंग पूल, ये पूल और ये आगे तक बहुत गर्मी है, अच्छा रिसोर्ट है इसका राहुल। तो यहाँ रहे अंकल लोग सारे, और यहाँ पे हमने बोली है तो कुल्लड़ वाली चाय। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब बन बना रहा हूँ, बन तो आ गया, मस्का डाल रहा हूँ इसमें अमूल बटर, और फिर ये करेंगे शुरुआत चाय का, लेंगे आनंद। ये व्यू दिखाइए, ये व्यू, ये अपना व्यू, ये अपना चाय। तो यही अपना गेमिंग जोन है पूरा, बैठ सकते हैं। टेनिस पे ये है, ये फुटबॉल है, वो भी फुटबॉल है, ये बॉल है यहाँ पे, कैरम बिरम सब आप यहाँ पे टाइम। अरे PS5, अरे PS5 भी यहाँ पे तो कैरम है, रिमोट लिया और खेलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेवरेट गेम जो हमारे घर पे लगा हुआ है PS5, वो भी है यहाँ पे। PS5 देखेंगे, पूछेंगे उनको कैसे प्ले करना है, और PS5 खेलेंगे आप। यहाँ पे भी PS5, घर में भी PS5, मस्त है। पहले मुझे लगा था फ्री है, पर यहाँ पे पूरा चैट लगा हुआ है, आपको कौन सा गेम खेलना है, जो भी आप गेम खेलोगे उसका चार्ज है, टाइमिंग के हिसाब से लिखा। PS5 देखिए भैया, क्रिकेट का गेम है और 250 रुपये 30 मिनट के। वाह, मुझे लगा पहले फ्री है सब कुछ, पर फ्री नहीं है, यहाँ पे ये सब पे करने के बाद चालू किया जाता है। ये अपना सामने मिरर, और ये छोटी गली है, बाल वापस बड़े हो गए हैं, और ये हम हैं। अब चलते हैं यहाँ से, मिलते हैं बाहर, देखते हैं पुष्कर को एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पे जिम भी है, और जिम का कोई चार्ज नहीं है, जिम बिल्कुल फ्री है, छोटा सा जिम है, लाइक जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो सारी है, वार्म अप वाले जिनको रोज़ नीड होती है उनके लिए है, ये सब कुछ है, जिम भी है, ठीक है। अनंता तो रिसोर्ट का नाम है इसका, स्पा का नाम क्या है, तत्वा। तत्वा बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारे 5 स्टार में होता है, तो यहाँ पे भी तत्वा है अपना, ये रहा तत्वा, अजंता रिसोर्ट पुष्कर। बाकी कहीं पे भी लाइट नहीं है, यहाँ का पूरा रेस्टोरेंट है, बैठोम लगा रखे सुंदर सुंदर इन लोगों ने, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक लगा रखी है, आओ जाओ पीओ मजा करो। और अब जाएंगे हम घाट, गाड़ी आ रही है हमारी, मैं नहीं जाऊँगा, स्पा वगैरह करा लिया है, अब निकले हैं गाड़ी लेके अपने, पुश करके इन रास्तों में कोई रेस्टोरेंट देख रहे हैं अच्छा, जहाँ पे अच्छा ट्रेडिशनल खाना मिले, राजस्थानी खाना। और पुष्कर में मोस्ट 99% लोग वेज ही है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट वेज ही है, नॉन वेज का नामो निशानी नहीं है दूर दूर तक, एक खाली कोई परसेंट खेड़ा गाँव में अगर दूर कोई आउट में होगा तो होगा, बाकी पुष्कर प्रॉपर में कोई नॉन वेज का दुकान नहीं है, ना ही कोई नॉन वेज होटल है। एक बार अच्छा लगा, प्योर वेज है, बढ़िया। और वर्मा जी का टेम्पल है जो कल दर्शन करेंगे,
अभी तो आज तो 8 बजे बंद हो गया होगा। ये आ चुका है स्तंभ, सीधा यहाँ से चलना अपने को सीधा, यहाँ पे इनकी यहाँ पे सीधा यार, ऐसा बोलो ना, माँ पुराण चल रही है इसके लिए अभी यहाँ पे गर्दी है। ये घाट है पूरा पुष्कर का घाट, यहाँ पे स्नान करते तो ये यहाँ का फेमस घाट, यहाँ पे लोग नहाते हैं, अर्घ देते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। हम जाएंगे कल मंदिर। ये है पूरा घाट और ये पूरा मार्केट। ये है पूरा मार्केट, ये सारे शॉप से लाइन से। बस इस वीडियो को, बारिश आ रही है खतरनाक, गंदी तरीके से पानी भर गया है पूरे पुक्सर में। और अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दस विदानियाँ। कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉय योर सेल्फ।